हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 8 फ्लाइंग हाई, और हम पढ़ेंगे बहुत सारे पंछियों के बारे में। चलिए सबसे पहले हम कुछ पजल सॉल्व कर लेते हैं। ऑन माय हेड आई हैव अ क्रेस्ट, मेरे सर के ऊपर एक क्रेस्ट है। ऑल से आई डांस द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा डांस करता हूँ। ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। मुझे मेरे पंखों पे बहुत नाज है, और मैं बारिश के पहले बहुत जोर जोर से गाता हूँ और नाचता हूँ। मैं कौन हूँ? पिकॉक। सेकेंड बर्ड है, लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल। मेरी पूंछ लंबी और ग्रूव्ड है, धारियों वाली है, लाइंस लाइंस वाली है, और मैं बहुत ऊंची आसमान में उड़ सकता हूँ। आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, मैं दूर से ही चूहों को देख के पहचान सकता हूँ और उन्हें उठा के खा लेता हूँ। द ईगल इज़ वॉट यू कॉल मी। तीसरा बर्ड है, माई फेदर्स आर ग्रीन माई बीक इज़ रेड, मेरे पंख हरे हैं और मेरी चोंच लाल है। गुआवा एंड ग्रीन चिलीज आई एम फेड। आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस, मैं लोगों की आवाज़ की नकल कर सकता हूँ। एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ पैरट। और फोर्थ बर्ड है, ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज़ माई टेल, मेरी पूंछ है काली, मेरे पंख है काले। काउ काउ आई डू ऑल डे, आई एम अ क्रो। तो जैसे कि आपने देखा, पिकॉक, उसके सर पे होता है क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब कलगी। आपने देखा होगा पिकॉक के सर में इस तरीके का क्रेस्ट होता है, और उसी तरह ईगल के पूंछ भी ग्रूव्ड होती है। ग्रूव्ड मतलब धारियों वाली, गहरी लाइंस वाली। नेक्स्ट हमारे पास है बर्ड, देखिए कौन सा है। कुहू कुहू इज माई साउंड, मेरी आवाज कू कू ऐसी है। एवरीवेयर आई एम फाउंड, और मैं हर जगह पाया जाता हूँ। माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, मेरी मीठी आवाज मुझे पहचान देती है। कुकू इज माई नेम। और ये बर्ड कौन सा है? डेड एनिमल्स आई डू ईट, मैं मरे हुए जानवर खाता हूँ। मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई। वल्चर इज वॉट आई एम कॉल्ड बाय। तो ये है कोयल, जिसे आप पहचान सकते हैं ब्लैक कलर के बॉडी और रेड कलर की आईज के द्वारा। और ये है वल्चर, जिसे आप पहचान सकते हैं लंबी गर्दन, गहरी नुकीली चोंच और बड़ी सी बॉडी। माई बीक इज पिंक, मेरे बीक पिंक कलर के हैं। फेदर्स ग्रे, और मेरे पंख ग्रे कलर के हैं। गुटरगू गुटरगू आई गो ऑल डे। इन हाउसेस आई मेक माई होम, मैं लोगों के घरों के कोनों में अपना घोंसला बनाता हूँ। अ पिजन इज हाउ आई एम नोन, और सभी मुझे पिजन बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सा बर्ड है? माई बीक इज वेरी स्पेशल, मेरी चोंच बहुत ही स्पेशल है। आई यूज इट लाइक अ नीडल, मैं सुई की तरह अपनी चोंच को सीलने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, मैं पेड़ों के पत्तों को सील के पत्तों की सिलाई करके उनके अंदर अपना घोंसला बनाती हूँ। द टेलर बर्ड इज हाउ आई एम नोन, और इसीलिए लोग मुझे टेलर बर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी बर्ड कौन सी है? इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक, मैं पेड़ों के तने में होल बना सकता हूँ और उन्हीं होलों में अपना नेस्ट बनाता हूँ। हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक, और पेड़ों में छुपे हुए कीड़े मकोड़े खाता हूँ। टुक 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 आई वर्क ऑल डे, सारा दिन मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। द वुडपेकर इज व्हाट पीपल से, और लोग मुझे वुडपेकर बोलते हैं। पिजन को हम कैसे पहचानते हैं? पिजन की बॉडी ग्रे कलर की होती है, उसके पैर और आंखें पिंक कलर के होते हैं। उसी तरह वुडपेकर को हम पहचान सकते हैं। वुडपेकर हमेशा पेड़ों के नज़दीक पाया जाता है। उसके सर पे लाल रंग की कलगी होती है, उसका बॉडी ब्लैक और वाइट कलर का थोड़ा होता है, और वो पेड़ों के तने में होल बना के अपना घोंसला बनाता है। और तीसरा बर्ड है टेलर बर्ड। जैसे कि आपने पढ़ा, टेलर बर्ड की चोंच एकदम सुई की तरह होती है, और ये बर्ड इतनी टैलेंटेड होती है कि एक पत्ते को गोल घुमा के उन्हें साइड से सील सील के वो इस पत्ते के अंदर अपना घोंसला बनाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा बर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है उल्लू। वाई देयर इज सो मच नॉइस इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। उल्लू बोल रहा है, जंगल में इतना शोर क्यों मच रहा है, मैं सो नहीं सकता। क्योंकि उल्लू दिन में सोता है,
रात में ही उल्लू जागता है। और ये पंछी क्या बोल रहा है? डियर आउल, द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स और शाउटिंग। अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं, इसीलिए शाउट कर रहे हैं। ये तो है उल्लू, जिसे हमने बड़ी आसानी से पहचान लिया। उल्लू की बड़ी बड़ी आंखें होती है, उसका शरीर भी बहुत बड़ा होता है और हम आसानी से पहचान सकते हैं। और ये दूसरा वाला पंछी है बुलबुल, जिसे हम पहचान सकते हैं। उसके पूंछ के नीचे लाल होता है, उसके सिर पे कलगी होती है और ये बहुत तेज आवाज में शोर मचाती है। द आउल सेड, स्टॉप दिस हुल्लाबलू, व्हाई आर यू क्वारलिंग, वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वेज। उल्लू ने बोला, अपने आप में झगड़ा बंद करो, हम सभी अपने आप में ही खास है। हमारे क्लॉज, हमारे बीक और हमारे फेदर्स, हमारी साउंड सब एक दूसरे से बहुत अलग है। If we all looked alike, ate the same food and made the same sound, अगर हम सभी एक जैसे दिखते, एक जैसा खाना खाते और एक जैसी आवाज़ें निकालते, सोचो तो वो कितना बोरिंग होता, कितना डल वर्ल्ड होता। Which of the birds mentioned in this lesson have you seen? Write their names. इस चैप्टर में आपने जिन जिन बर्ड के नाम देखे, उनमें से आपने क्या क्या देखे हुए हैं? तो ज़्यादातर बच्चों ने मोर, पिकॉक, पैरट यानी कि तोता, कुकू यानी कि कोयल, ईगल यानी कि चील, क्रो यानी कि कौवा, पिजन यानी कि कबूतर, उल्लू यानी कि आउल और वल्चर यानी कि गिद्ध, इन सब चिड़ियों को अक्सर देखा होगा। नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर द बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन ग्राउंड। सारे पंछी उड़ नहीं सकते, कुछ पंछी बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं लेकिन कुछ पंछी भारी होते हैं, इसीलिए वो नहीं उड़ सकते। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, चलिए देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पिकॉक हमें मिलते हैं ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं, वो उड़ नहीं सकते, दे कैन नॉट फ्लाई। क्रो हमें पेड़ों पे नज़र आते हैं और वो फ्लाई भी कर सकते हैं। डक हमें पानी में तैरते हुए नज़र आते हैं और वो नहीं उड़ सकते। उसी तरह पिजन हमें उड़ते हुए नज़र आते हैं, अक्सर पेड़ों पे रहते हैं और कभी कभी घरों के कोनों में, खिड़की के कोनों में वो अपना घोंसला बनाते हैं। हेन बहुत भारी होती है, अक्सर वो ज़मीन पे ही रहती है और वो ज़्यादा दूर उड़ नहीं सकती। उसी तरह ऑस्ट्रिच भी बहुत ही भारी भरकम पंछी होता है, वो ग्राउंड में रहता है और वो नहीं उड़ सकता। Have you ever noticed that different birds have different type of beaks? क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि सारे पक्षियों के चोंच एकदम अलग तरीके के होते हैं? Given below are pictures of beaks of bird. Look at them carefully and write their names. यहाँ पे ये कौन सा पंछी है? ये है पैरट, जिसकी चोंच एकदम नुकीली है। यहाँ पे ये कौवा, क्रो, जिसकी चोंच एकदम सीधी है, लंबी सी। और उसके बाद यह है पिकॉक, जिसकी चोंच छोटी सी है। उसके बाद यहाँ पे है चील यानी कि ईगल, इसकी चोंच और भी नुकीली और बड़ी है। सेकंड है क्रेन, जिसकी चोंच लंबी सी एकदम धारीदार वाली है। और तीसरे स्पेस में ये खाली जगह है, आपको यहाँ पे अपनी पसंद के चिड़िया की फ़ोटो बनानी है। तो मैंने यहाँ पे बनाया टेलर बर्ड की फ़ोटो। टेलर बर्ड असली में दिखने में ऐसा होता है, इसकी चोंच बहुत ही स्पेशल होती है और वो पत्तों को सील कर अपना घोंसला बना सकती है। चलिए हम पढ़ लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स के बारे में। पहले है प्रोबिंग बीक। प्रोबिंग बीक वो होते हैं, द बीक्स विच आर लॉन्ग एंड स्लेंडर टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। कुछ पंछियों के चोंच एकदम पतली और लंबी होती है, जैसे हमिंग बर्ड, सन बर्ड और हुप्पू या फिर हुपर बर्ड। इनकी चोंच इतनी पतली और लंबी होती है कि इनसे वो फूलों का रस पी सकती है, इसे हम कहते हैं प्रोबिंग बीक। उसके बाद है हमारे पास क्रशिंग बीक। बर्ड्स विच ईट ग्रेन्स, सीड्स एंड नीड टू क्रैक देयर फूड हैव शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक। जिन चिड़ियों को ग्रेन्स खाने होते हैं, जैसे स्पैरो, पिजन और पैरट, इनके छोटी चोंच होती है जिनकी मदद से वो दाना खाते हैं या फिर सीड खाते हैं, जिन्हें वो अपनी छोटी छोटी चोंच से क्रश करके तोड़ सकते हैं। तीसरा है शॉर्ट एंड फ्लैट बीक। शॉर्ट एंड फ्लैट बीक होते हैं डक के, क्रेन के या फिर गूस के। सम बर्ड्स हैव शॉर्ट एंड फ्लैट बीक टू ईट फिश एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मडी वाटर। डक, क्रेन और गूस ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर पानी में रहते हैं, पानी से वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और मछलियाँ निकाल कर खाते हैं। तो इनको
मछलियों को पकड़ने के लिए उनकी चोंच थोड़ी सी मोटी, फ्लैट, एकदम चपटी होनी चाहिए जिससे मछली फिसल के बाहर ना आ जाए। नेक्स्ट टाइप की बीक है चिजल शेप बीक। चिजल शेप बीक होती है वुड पेकर के पास। चिजल शेप मतलब एकदम धारीदार और लंबी स्ट्रॉन्ग बीक। चिजल शेप बीक हेल्प्स अ बर्ड टू पोक होल्स इन ट्री ट्रंक्स एंड पुल आउट द इंसेक्ट्स टू ईट। साफ शब्दों में मतलब होगा एकदम नुकीली धारीदार चोंच। अगला है हुक शेप बीक। हुक शेप बीक होते हैं ईगल, वल्चर या फिर हॉक के पास। ये सभी पंछी ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को, छोटे छोटे जानवरों को पकड़ के खाते हैं। बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर, हॉक ईट फ्लैश ऑफ अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। जब इन्हें दूसरे जानवरों का मांस खाना होता है तब इनकी चोंच एकदम नुकीली होनी चाहिए, तभी वो अपनी चोंच को दूसरे जानवरों के मांस में गढ़ा पाएंगे। इसीलिए इनकी चोंच एकदम बड़ी सी नुकीली हुक टाइप की होती है। जैसे ईगल फिश खाता है, सांप खाता है, चूहों को खाता है, वल्चर मरे हुए जानवरों को खाता है, और इस तरह हॉक भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जानवरों को खाता है। सो दैट इज़ वाई देयर बीक शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड हुक शेप। तो चलिए मैच कर लेते हैं कि कौन सा पंछी कौन सा खाना खाता है। फर्स्ट फोटो है वल्चर। वल्चर जैसे कि आपको पता है मरा हुआ जानवर खाता है, तो वल्चर जाएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ निकल के स्ट्रेट इस मरे हुए स्पैरो की तरफ। वल्चर मरा हुआ जानवर खाएगा। सेकंड है एक ईगल की फोटो। ईगल क्या खाता है? ईगल सांप या चूहे खाता है। ईगल का लाइन जाएगा यहाँ से निकल के यहाँ पे चूहा। उसके बाद है थर्ड वुडपेकर। वुडपेकर पेड़ों के तने में होल बना के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता है, तो वुडपेकर का लाइन निकलेगा यहाँ से नीचे निकल के एकदम स्ट्रेट इस लास्ट में दिए गए कीड़े की तरफ। फोर्थ है तोता, पैरट। तोता खाता है हरी मिर्ची। और लास्ट है पिजन। पिजन खाता है दाना। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स ईटन बाय द बर्ड्स? स्पैरो और पिजन खाते हैं ग्रेन्स, वो दाना खाते हैं। वुडपेकर पेड़ों के तने में से इंसेक्ट निकाल के खाता है, उसी तरह ये ब्लू बर्ड भी इंसेक्ट निकाल के खाता है। पैरट एंड मैकाउ ये दोनों फ्रूट्स खाते हैं। ईगल सांप या फिर माइस खाता है, और वल्चर मरे हुए जानवरों को खाता है। नेक्स्ट है सन बर्ड, हमिंग बर्ड, ये दोनों नेक्टर पीते हैं। किंगफिशर फिश खाता है। वुडपेकर पेड़ों के तने से इंसेक्ट्स निकाल के खाता है। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? क्या तुमने कभी देखा है कि बर्ड्स अलग अलग तरीके से चलते हैं और उड़ते हैं? द माइना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। कैन यू मूव योर नेक लाइक दिस? बर्ड्स भी अपने गर्दन को अलग अलग तरीके से हिला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब मुर्गी रास्ते पे चलती है तब वो अपने गर्दन को आगे पीछे हिला के चलती है। मैना अपने गर्दन को आगे पीछे एकदम झटके के साथ आगे पीछे करती है, और उसी तरह उल्लू अपने गर्दन को एकदम पीछे की तरफ मोड़ सकता है। देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस। कुछ चिड़िया ऐसे होती हैं जो हमारी आवाज़ की नकल कर सकती है। Do you know any such bird? हाँ, वो तोता होता है। तोता इंसान की आवाज़ की नकल करके एकदम हमारी ही तरह बोल सकता है। आप पैरट की फ़ोटो को अपने नोटबुक में बनाइए और उसे कलर कीजिए। The feathers of the bird are also different. पंछियों के पंख भी एकदम अलग अलग तरीके के होते हैं। उनके कलर अलग होते हैं, उसके शेप अलग होते हैं और साइज भी अलग होते हैं। The feather helps the bird to fly and keep them warm. फेदर पंछियों को उड़ने में मदद करते हैं और उनके बॉडी को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड लूज देयर ओल्ड फेदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। जैसे हमारे शरीर से हमारे बाल झड़ते हैं और नए नए बाल आते हैं, वैसे ही पंछियों के भी पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए नए पंख आते हैं। और इसीलिए शायद आपने रस्ते पे, जमीन पे, हर जगह पंछियों के पंख को गिरे हुए देखा होगा। जैसे आपने देखा होगा काले रंग के पंख ये कौए के होते हैं, उसी तरह मोर पंख बहुत ही सुंदर रेनबो कलर्स के होते हैं, और पैरट के पंख हल्के ग्रीन कलर के होते हैं। फेदर भी तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज फ्लाइट फेदर, सेकंड इज बॉडी फेदर एंड थर्ड वन इज डाउन फेदर। फ्लाइट फेदर उनके विंग्स में होते हैं जो पंछियों को उड़ने में मदद करते हैं। बॉडी फेदर कवर्स द बॉडी ऑफ अ बर्ड
और डाउन फेदर उनके स्किन के एकदम नज़दीक होता है जो उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। चलिए अभी हम पढ़ते हैं उनके क्लॉज और फीट के बारे में। फर्स्ट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर क्लॉज, अ टाइप ऑफ क्लॉज विद 3 toes इन द फ्रंट एंड 1 toe एट द बैक, यूज टू होल्ड ब्रांचेस और वायर्स। लॉन्ग एंड स्लेंडर क्लॉज उस तरीके के होते हैं जिसमें 3 toe सामने की तरफ और 1 toe पीछे की तरफ होता है। इस तरीके के टोज डालियों को, वायर्स को पकड़ के बैठने में मदद करते हैं। सेकेंड इज वेडिंग बर्ड्स, क्रेन एंड स्टॉर्क हैव लॉन्ग स्लेंडर लेग्स विद वाइड स्प्रेड आउट टोज। जो चिड़िया पानी में चलती हैं जैसे क्रेन, किंगफिशर, इन फ्लेमिंगो, इनके पैर लंबे लंबे होते हैं और इनके टोज भी एकदम लंबे लंबे होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं, जिससे कि उन्हें गीली ज़मीन पे आराम से चलने में मदद मिलती है। नेक्स्ट इज वेब्ड फीट, डक्स और पिंगविंस क्योंकि पानी में स्विम करती हैं तो उन्हें पानी में स्विम करने के लिए इस तरीके के पैर बहुत ही लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट इज टैलॉन फीट, टैलॉन फीट मतलब हुक शेप के क्लॉ, जैसे कि ईगल के पास होता है, बड़े बड़े नुकीले पांव जिसे कि उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग फीट्स, स्क्रैचिंग फीट्स होते हैं उन चिड़ियों के पास जिन्हें बहुत जमीन पे चलने की आदत होती है, वो जमीन को कुरेज कुरेज के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकाल के खाते हैं, जैसे कि हैं। चलिए अब बताइए कि बर्ड्स के अलावा ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई, मॉस्किटोज, हनी बीज, हाउस फ्लाई, फ्लाइंग स्नेक्स और बैट्स। ये सारे जानवर भी उड़ सकते हैं और ये बर्ड्स नहीं होते। बटरफ्लाई मतलब तितली, मॉस्किटो मतलब मच्छर, बैट मतलब चमगादड़, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, हनी बी मतलब मधुमक्खी और फ्लाइंग स्नेक। इफ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू गो? वॉट एल्स वुड यू लाइक टू डू? इफ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड देन आई वुड लाइक टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर मुझे भी उड़ना आता तो मैं पूरी दुनिया घूमती और मैं बाकी दोस्तों के साथ उड़ उड़ के रेस भी करती। What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? अगर चिड़ियों को उड़ना नहीं आता, वो सिर्फ जमीन पर चल के जाते तो क्या होता? अगर चिड़िया उड़ नहीं पाती तो वो अपने आप को शिकारियों से नहीं बचा पाती। ऊंची उड़ान भरना अपने आप में ही एक खूबसूरत एहसास होता है जिससे कि चिड़ियाएं अपने आप को खतरों से, शिकारियों से बचा सकती हैं। नेक्स्ट है आपके लिए एक एक्टिविटी, आपको एक स्क्वायर पेपर पीस को फोल्ड करके एक सुंदर सी कॉक बनानी है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं और एंड में आपके पास एक सुंदर सी कॉक पेपर ऑर्गेमी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने बर्ड्स के बारे में क्या क्या पढ़ा। फीचर्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स हैव विंग्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। सभी पंछियों के पास पंख होते हैं और उनमें से कई सारे पंछी उड़ सकते हैं और कुछ नहीं उड़ सकते। दे हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स, पक्षी बहुत ही हल्के होते हैं और उनके बोन्स हॉलो होते हैं। हॉलो मतलब अंदर से खाली, बोन्स के अंदर का हिस्सा खाली होता है। दे हैव फीट एंड क्लॉज, उनके पैर और पंजे होते हैं। दे डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत नहीं होते, इंस्टेड दे हैव बीक और दांत की जगह पे उनके चोंच होते हैं। Which help them to tear, bite, chisel, crush or chew their food. Birds have streamlined bodies which help them to fly. और पंछियों की बॉडी एकदम पतली होती है जिससे कि उन्हें उड़ने में बहुत ही आसानी होती है। This is the end of our chapter. Hope you like it. We will meet very soon with our next chapter. Till then, thank you very much. God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.